जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। चार अंतर जनपदीय लुटेरे को दो मोटरसाइकिल, सात मोबाइल, तीन अवैध तमंचे, लूटे गए माल सहित किया गया गिरफ्तार। खबर उन्नाव से है, जहां के थाना आसीवन पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां सर्विलांस टीम के द्वारा 14 सितंबर को थाना आसीवन क्षेत्र के अंतर्गत घटित लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार अंतर जनपदीय लुटेरों को शुक्रवार को पुलिस ने लूटे गए सामान सहित गिरफ्तार कर लिया है। 28 अक्टूबर को उपनिरीक्षक विनोद कुमार मैं हमराहियान द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा बनाम अज्ञात से संबंधित अभियुक्त गंगाराम अवस्थी, 20 वर्ष पुत्र कैलाश अवस्थी, ग्राम बहुत मिश्रित जनपद सीतापुर, धर्मेंद्र कुमार 26 वर्ष पुत्र बद्री फांसी, ग्राम बहुती थाना मिश्रित जनपद सीतापुर, सोनू मिश्रा 22 वर्ष पुत्र शैलेंद्र मिश्रा, ग्राम अस्थित थाना बिकेटी जनपद लखनऊ देहात, रोशन 20 वर्ष बृजलाल, ग्राम बहुती थाना मिश्रित जनपद सीतापुर को मुखबिर की सूचना पर सफी पुनहर प्रिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दल के कब्जे से सात मोबाइल, तीन अवैध तमंचे, छह कारतूस, दो मोटरसाइकिल, 14 चाबियां, एक कैप और एक एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2920 रुपए नगद बरामद हुआ है। उपरोक्त को चारों अभियुक्त रोशन, गंगाराम, धर्मेंद्र, सोनू से अन्य पूछताछ करने पर बताया गया कि 14 सितंबर को हम लोगों ने सफी रोक कर सिर्फ चेली से अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अभियुक्त गंगाराम ने पूछने पर बताया कि रेडमी नोट 10 मोबाइल साथी धर्मेंद्र ने अपने किसी अन्य साथी के साथ मिलकर जोगश पार्क के पास थाना दोबग्गा लखनऊ देहात से एक औरत से छीन कर और मुझे चलाने के लिए दे दिया था। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। स्वागत जिंदगी के लिए सह संपादक के साथ अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए स्वागत जिंदगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर छोटी बड़ी खबरों को आप देख सकें। आधार कार्ड, उसका एटीएम कार्ड, उसका बैग ओरिजिनल और मोबाइल, उसका जो मोबाइल छीन ले गए थे। थाना आसीवन में 14/9/2022 को एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिस घटना में थाना आसीवन की टीम के द्वारा और क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई थी। आज उसी का खुलासा हुआ है, जिसमें चार अपराधी पकड़े गए हैं, इसमें से तीन जनपद सीतापुर के हैं और एक जनपद लखनऊ आउटर का है। उन्होंने सराफा व्यापारी के साथ जो है लूट की घटना कारित की थी। उसका उस लूट में जो लिया गया सामान था, उस व्यापारी का एटीएम, बैग, आधार कार्ड और इन कब्जे से लगभग 3000 रुपये और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की थी, मोटरसाइकिल बरामद की गई। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई, जिनके द्वारा दुबग्गा में भी एक मोबाइल फ़ोन छीना गया था, वो मोबाइल फ़ोन ही बरामद हुआ है। आसीनों की घटना में जो मोबाइल लिया गया था, वो भी बरामद हुआ है। मेरे द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। पिछली जानकारी में आई है तो हाँ, इसमें से दो अभियुक्तों के की क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक 2020 में गया था जेल और दूसरा जो है 2021 में जेल गया। लूटा हुआ सामान कहीं बेचते? लूटा हुआ सामान जो है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, इन्होंने लूटा हुआ सामान सराफा के पास बेच दिया था। बहुत अधिक सामान जो बेच दिया था, उससे जो बेचने जो पैसे मिले थे, वो पैसे बरामद हुए। और भी गैंग हैं तो इसमें और कोई शामिल नहीं।